हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी परफेक्ट। दोस्तों, ये हमारी भूगोल की सीरीज चल रही है, जिसमें 8 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और आज ये 9वीं है। दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पहले हमारे पहले वाले वीडियो देख ले, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको RPC फर्स्ट ग्रेड व आंगनवाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ गहरी संकरीर्ण घाटियाँ हैं और बाधित रास्ते हैं तथा जो डाकुओं से घिरी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र है जहाँ पर गहरी संकरीर्ण घाटियाँ है और बाधित रास्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है। तो दोस्तों, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। बाड़मेर ऐसा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं। तो दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती को बालरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। दोस्तों, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको जितने भी हमारे वीडियो हैं उसकी PDF फाइल मिल जाएगी, और भी स्टडी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर हो वो भी सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यतः कोयले की किस्म ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गलत युग्म को चुनिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, गढ़सीसर बीकानेर, ये गलत है दोस्तों। दोस्तों, कायलाना झील ये जोधपुर ज़िले में है, चांद पावड़ी ये दौसा के अंदर है, और गेप सागर ये डूंगरपुर ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, सुकली सिंचाई परियोजना पाली। ये दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, और ऊपर है ऑप्शन नंबर ए, बेतली सिंचाई परियोजना, ये 12 में है। चाकन सिंचाई परियोजना ये बूंदी में है, और बांडी सेहत सिंचाई परियोजना ये जालौर ज़िले में है। दोस्तों, परियोजना के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट सूची में कोयला, गैस, खाने दिए हैं, और दूसरे में जिले दिए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। तो चलो इसको करते हैं। देसूरी आता है हमारे बीकानेर में। कपूर डी आता है हमारे बाड़मेर ज़िले में। माता सुखा आती है नागौर में, और तनोट आता है दोस्तों जैसलमेर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, इनको भी सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ खनिज है और एक तरफ जिले के तहसीलों के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें आता है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा में मिलता है सीसा और जस्ता। नाथरा की पाल आती है दोस्तों। नाथरा की पाल में लोहा खनिज होता है। खो दरीबा में होता है दोस्तों तांबा। और बादर सिंदरी में होता है बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट है, राजस्थान में वर्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। ऑप्शन नंबर टू है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है, पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। और इसका फोर्थ है, राजस्थान का 25% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। इनमें पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है इसका पॉइंट वन टू और फोर्थ सही है ये दोस्तों। राजस्थान में वर्षा दक्षिण से दक्षिणी पूर्व और उत्तर से उत्तर पश्चिम में घटती है। पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। और राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। तो इन दोनों में से सही चुनना है, ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों। तो इनमें होगा कथन एक, कथनों में खरीफ तिलहनों में मूंगफली कथन ए है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल है। कथन बी है, राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान में ब्रज सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ी। ब्रज सीमांत बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ी तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूची वन और टू से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहली सूची में अरावली सीकर दिया गया है और दूसरी सूची में दिया गया है जिले। तो दोस्तों हम चलो इसका करते हैं रघुनाथगढ़ आती है सीकर जिले में। फिर आती है शेरगढ़। तो चलो दोस्तों आपको पता हो तो आप बताइए। ये जयगढ़ आती है दोस्तों जयपुर ज़िले में। और ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए है। दोस्तों यह रघुनाथगढ़ आती है सीकर, शेर आती है सिरोही, जरगा आती है दोस्तों उदयपुर ज़िले में और जयगढ़ आती है जयपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची वन को सूची टू में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऑप्शन नंबर। तो जिसमें आएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है अजमेर में। सफ़ेद सीमेंट, तो सफ़ेद सीमेंट है दोस्तों गोटन में। और इसका थर्ड ऑप्शन है उर्वरक।
उर्वरक है दोस्तों। खड्डेपान में और विद्युत विद्युत है दोस्तों जयपुर में। इसका होगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में आती है। सफ़ेद सीमेंट गोटन में, उर्वरक खड्डेपन में और विद्युत मोटर विद्युत मीटर है जयपुर में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।